हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो इसमें भी आपके पास ये इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इनको रिड्यूस करना पड़ेगा पहले लीनियर फॉर्म में, फिर सॉल्व होंगे ये, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखो यहाँ पर है 5 अपॉन में x-1 और नीचे भी 6 अपॉन में x-1 है, यानी कि 1 अपॉन में x-1 और 1 अपॉन में x-1 यहाँ कॉमन चीज़ है, तो इसको लेट करेंगे। यहाँ 1 by y-2 है और यहाँ भी 1 by y-2 कॉमन चीज़ है, ठीक है, तो इसको लेट करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? तो देखो ज़रा लेट कर लेंगे हम सॉल्यूशन में जाकर, लेट करेंगे 1 by x-1 को p और 1 by y-2 को हम q लेट करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब देखो इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी। ऊपर है 5 और 1 by x-1 है तो p आ गया, प्लस में 1 by y-2 को हमने क्या माना है, q इक्वल टू में 2। और ये वाली इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, देखो 6 है और 1 by x-1 को p मान लिया, माइनस इधर 3 है और 1 by y-2 को हमने क्या मान लिया है, q मान लिया है। क्या इतनी बात क्लियर है? और इक्वल टू में ये 1 आ गया, समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीज़ें? ये चीज़ बस ध्यान रखा करो, 1 अपॉन में x-1 को पूरे को p लेट किया, तो इधर ये 1 अपॉन में x-1 है तो p लगाया हमने, समझ रहे हो ना ये चीज़? तो कैसे लिख रहा हूँ, देखो 6 अपॉन में x-1 है तो ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x-1, समझ रहे हो इस तरीके से। तो 1 by x-1 को हमने p लेट किया, ऐसे ही 1 by y-2 को हमने q लेट किया और यहाँ पुट किया 6 एज इट इज़, 1 by x-1 को p माइनस 3 और फिर 1 by y-2 है तो उसको q। क्लियर है, ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कैसे करते हैं हम बताओ, सिंपल है, p वाली टर्म को इक्वल कर दो या फिर q वाली टर्म को इक्वल कर दो। तो p वाली टर्म को अगर हमें इक्वल करना है तो देखो इसका कोफिशियंट है जो नीचे 6 p के साथ, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाला जो p है उसका कोफिशियंट 5 है तो उसको नीचे वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखो 6 5 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब आपके, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको ये सब, ठीक है। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 p प्लस में 6 q इक्वल टू में 6 2 12 और 5 6 अगेन 30 p माइनस 5 3 15 q इक्वल टू में 5 × 1 5। अब देखो वही चीज़ देखनी है, एलिमिनेशन करनी है तो सब्ट्रैक्शन करें कि एडिशन करें, यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी, उसी में साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो ये तो एलिमिनेट होगी टर्म, बची ये प्लस 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 होता है, और 15 प्लस 6 कितना हो गया फिर आपके पास, ये बताओ ज़रा, 15 प्लस 6 21 q और ये प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो साइन तो प्लस का ही आने वाला है, और 12 में से 5 माइनस करो कितना बन गया 7, तो q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 by 21 एंड 7 3 21, तो q कितना आ गया आपके पास 1 by 3, q की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 1 by 3। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको कहाँ पुट करें हम, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या आपके पास 5p प्लस में q, ठीक है, तो q की वैल्यू है 1 by 3 इक्वल टू में 2। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, देखो अब आपके पास 5p इक्वल टू में 2 और ये 1 by 3 इधर जाके माइनस का 1 by 3, इसका ले लो यहाँ LCM, 3 LCM आ गया, 1 और 3 को डिवाइड करो 3 3 2 6 माइनस 3 और 3 को डिवाइड करो 1 1 into 1 1 और इधर आइए आपके पास 5p, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ इसको, देखो 5p इक्वल टू में 6 - 1 = 5 और ये 3 है और p इक्वल टू में आ जाएगा आपका 5 by 3 और ये 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो जो p की वैल्यू आई है ये भी कितनी आ गई आपके पास 1 by 3 आ गई, तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 by 3 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था, देखो लेट क्या किया था, ये देखो यहाँ पर 1 by x-1 और 1 by y-2 इनको लेट किया था, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखो ज़रा यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 1 by x-1 को आपने लेट किया कितना, p लेट किया, ठीक है, तो p की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है आपके पास 1 by 3 और 1 by y-2 को हमने लेट किया था q और q की वैल्यू भी कितनी आई है 1 by 3। कितनी बात क्लियर है, कैसे लिखा है मैंने यहाँ, ये देखो 1 by x-1 इक्वल टू p था तो 1 by x-1 इक्वल टू p की वैल्यू रख दी, 1 by y-2 q था तो 1 by y-2 इक्वल टू में 1 by 3 क्योंकि q की वैल्यू भी 1 by 3 थी। क्लियर है, अब देखो ज़रा
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इधर जाएगा और x माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन ही आएगा। x इधर ही रहने दो, 3 इधर ही है, माइनस वन इधर जाके प्लस का 1 बनेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 3 प्लस 1 4 आ गई। बताओ बहुत ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ऐसे यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 हो गया, और y माइनस 2 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 2 आएगा। y इधर ही रहने दो, ये 3 इधर है और माइनस 2 इधर जाके प्लस का 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ रहा है समझ में? x और y की वैल्यू आ गई यहाँ से, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, क्लियर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं इस तरीके से, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।